जब आते होगी याद मेरी तेरा दिल। ये दास्तां है कपूर खानदान के ऐसे चिराग की जिसने हिंदी सिनेमा में कठिन संघर्ष के साथ एक अलग ही पहचान बनाई, जिसके लिए इनको आज तक याद किया जाता है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। इस अभिनेता के दादा, बाप और भाई सभी पहले से थे हिंदी सिनेमा में सुपरस्टार। फिर भी इस एक्टर को करनी पड़ी जी तोड़ मेहनत अपने वजूद को बनाने और बचाने के लिए। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ जहां तुम। बॉलीवुड के इतने बड़े इज्जतदार खानदान में जन्म लेने वाले इस एक्टर को क्यों इनकी माँ इनको अपनी कोख में मार देना चाहती थी, जिसके लिए इनकी माँ ने रची दिल दहला देने वाली साजिश। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ ये हिंदी सिनेमा के ऐसे एक्टर थे जिनकी स्माइल और स्टाइल पर हिंदुस्तान में लड़कियाँ अपना दिल हार जाती थीं। तो वहीं कुछ एक्ट्रेस इनको देखकर अपने डायलॉग तक भूल जाती थीं। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की। 70 के दशक में इस अभिनेता की गिनती टॉप एक्टर में होने के बावजूद क्यों उस दौर की कोई अभिनेत्री इनके साथ काम नहीं करना चाहती थी, और वो कौन सी अभिनेत्री थी जिसने इनके सबसे बुरे वक्त में इनका साथ देकर इनको सुपरस्टार के पायदान पर पहुंचाया। एक था गुल और एक थी बुलबुल। कैसे इस अभिनेता ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर एक विदेशी महिला से शादी कर ली, प्रेम विवाह होने के बावजूद क्यों ये अभिनेता 31 साल अकेले रहने पर मजबूर रहा। जाने तकदीर ने मुझसे कितने मजाक और कर लेते हैं। नाम, शोहरत, पैसा, ताकत, सब कुछ होने के बाद क्यों इस सुपरस्टार अभिनेता को बेचना पड़ा अपने घर का सामान और बीवी के जेवर। क्यों इस अभिनेता को अपने दिनों में झेलना पड़ गया नर्क जैसा दर्द, बताएंगे और भी बहुत कुछ इस महान कलाकार के बारे में। आप बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो के साथ। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने। आज हम जिस अभिनेता की बात करने जा रहे हैं उनको हिंदी सिनेमा जगत में सबसे खूबसूरत हैंडसम हीरो माना गया। लाखों लड़कियां इस एक्टर की दीवानी थीं। शानदार और जबरदस्त भूमिका निभाने वाला ये लड़का पूरी दुनिया में पहचाना गया अपनी माँ के द्वारा दिए गए नाम से, यानी शशि कपूर के नाम से। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवल के इस एपिसोड में। ए यार सुन, यारी तेरी मुझे जिंदगी। शशि कपूर का जन्म गुलाम भारत में 18 मार्च 1938 को कोलकाता में कपूर खानदान में हुआ था। इनके पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर था, जो हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता रहे हैं। हम एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते, अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है, तुझे सलीम को भूलना होगा। तो वहीं इनकी माँ रामशरणी देवी एक घरेलू महिला थी। तो वहीं इनके दो बड़े भाई थे, पहले राज कपूर जो हिंदी सिनेमा में एक शानदार एक्टर और डायरेक्टर के नाम से जाने गए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। तो वहीं दूसरे भाई शम्मी कपूर। शम्मी कपूर भी हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रहे हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। और दुर्भाग्य से ये तीनों महान कलाकार अब इस दुनिया में नहीं रहे। शशि कपूर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई के माटुंगा के डॉन बॉस्को हाई स्कूल से पूरी की। शशि बचपन से काफी प्रतिभाशाली थे। शशि कपूर का असली नाम बलबीर पृथ्वीराज कपूर था। इनका ये नाम इनकी दादी ने रखा था। शशि बचपन में आसमान में घंटों चांद को निहारते रहते थे। जब उनकी माँ ने ये देखा तो उनको शशि कहकर वो बुलाने लगी थी। शशि शब्द चांद का ही पर्यायवाची है।
इसके बाद सभी लोग इनको शशि कहकर ही बुलाने लगे और सभी लोग इनका असली नाम भूलकर माँ के द्वारा प्यार से रखे गए नाम से इनको बुलाने और पहचानने लगे। ये तुम अगर याद रखना, एक ना एक दिन में बहुत से रुपए कमा कर तुम्हारे लिए भेंट ला कर दूंगा। इन सब चीजों से बढ़िया ला देना। शशि कपूर का पूरा परिवार हिंदी सिनेमा से जुड़ा था। उनके घर में उस दौर का स्टार भी था और सुपरस्टार भी। घर में फिल्मी सितारों का आना जाना, फिल्म की बात होना, इन सब का छोटे शशि कपूर पर काफी असर पड़ा और उनके मन में भी कहीं ना कहीं बड़े होकर एक्टर बनने की ख्वाहिश पैदा हो गई। और शशि के ये ख्वाहिश भी छोटी सी उम्र में ही पूरी हो गई, जब वो पहली बार 1945 में 7 साल की उम्र में होमी वाडिया के फिल्म बचपन में एक छोटा सा रोल करने को मिला। ये इनकी पहली चाइल्ड डेब्यू फिल्म भी रही है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। मेरे पिता नहीं है, बस माता जी हैं। शशि के खून में ही एक्टिंग थी, वो अच्छा काम कर रहे थे। इसके बाद शशि की बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट संग्राम, समाधि, आवारा, परिणीता, दाना पानी जैसी फिल्मों में काम करते हुए नजर आए। देखा जाए तो ये कपूर खानदान के वो लड़के थे जो छोटी सी उम्र से ही मेहनत कर रहे थे। वो खुद के लिए एक अलग रास्ता बना रहे थे। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद शशि कुछ समय के लिए फिल्मों से दूर हो गए। साल 1953 में ये अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के थिएटर से जुड़ गए और शशि देश के कई शहरों में अपने पिता के साथ नाटक मंडली में शोज करते रहे। शशि अपने पिता के इस थिएटर से 1960 तक जुड़े रहे और जी तोड़ मेहनत करते रहे। जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है। जब एक मुजरिम बोलेगा, एक पुलिस अफसर सुनेगा। साल 1961 में शशि कपूर ने बतौर एक फिल्म अभिनेता के रूप में यश चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र में काम किया। इनके एक्टिंग काबिले तारीफ थी, जिसके लिए इनको काफी वाहवाही भी मिली। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल न सकी और इस फिल्म की ही तरह इनकी कुछ और फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। बगावत का खुला पैगाम देता हूँ जवानों को। शशि की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी। शशि इन सब से थोड़े से मायूस हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब शशि इस बुरे वक्त से गुजर रहे थे, तब इनके परिवार ने इनकी कोई मदद नहीं की थी। परिवार चाहता था कि शशि खुद अपने दम पर सफलता हासिल करें और जिंदगी के रंग रूप को नजदीक से जानें। घुंघरू की तरह बजता ही। शशि की लगातार फिल्म फ्लॉप हो गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि शशि के साथ उस दौर की कोई भी हीरोइन काम करने से बचने लगी, क्योंकि उनको लगता था कि शशि एक फ्लॉप एक्टर हैं और उनके साथ काम करने से उनका करियर भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे में इनके लिए भगवान बनकर आई फिल्म एक्ट्रेस नंदा जी। ये समा है ये प्यार का। जब सभी एक्ट्रेसेस ने मुंह मोड़ लिया, तब नंदा जी ने इनकी फिल्म जब जब फूल खिले के लिए इनके साथ काम करने के लिए हाँ कर दी। साल 1965 में ये फिल्म बनकर आई। दर्शकों के बीच जब ये फिल्म आई तो लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। इस फिल्म के गाने और कहानी ने लोगों को दीवाना बना दिया और इस तरह से नंदा जी की वजह से शशि को पहली सुपरहिट फिल्म नसीब हुई और शशि कपूर बतौर एक हीरो पहचान बनाने में कामयाब हो गए। बाबा 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 इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया तुमको। इसके बाद शशि के पास कई बड़े फिल्म निर्माताओं की फिल्म के ऑफर्स आ गए, जिसमें ये खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ रोमांटिक किरदारों में नजर आए। शशि की फिल्म सफल हो रही थी और ये धीरे धीरे टॉप हीरो की पायदान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए। इस कामयाबी के बाद शशि ने उन सभी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया जो उनको बुरे वक्त में छोड़कर चली गईं। क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना। राखी, आशा पारेख, मुमताज,
हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, सायरा बानो, बबीता कपूर, रेखा, नंदा सभी शशि की हीरोइन बनी। लेकिन शशि और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। मेरे ही पीछे आखिर पड़े हो तुम क्यों, एक मैं जवान नहीं। बताया जाता है कि शर्मिला टैगोर शशि कपूर को देखकर अपने डायलॉग भूल गई थी। शर्मिला टैगोर जब शशि के बड़े भाई शम्मी कपूर के साथ फिल्म कश्मीर की कली की शूटिंग कर रही थी तो उस वक्त शशि उनसे मिलने फिल्म के सेट पर आए थे। सेट पर पहली बार शशि को जैसे ही शर्मिला ने देखा तो वो देखती ही रह गई। डायरेक्टर फिल्म के डायलॉग के लिए बोल रहा था लेकिन शर्मिला टैगोर का पूरा ध्यान शशि कपूर पर था। इसके बाद शर्मिला ने डायरेक्टर से शशि कपूर को वहां से जाने के लिए कहा क्योंकि उनकी वजह से वो अपना ध्यान नहीं लगा पा रही थी। जवा तुम हो, जवा मैं भी हूं। शशि कपूर हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे एक्टर थे जो हिंदी फिल्मों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लिश फिल्मों में भी काम कर रहे थे। शशि की फिल्में अब हिंदुस्तान में छाई हुई थीं, वो एक से बढ़कर एक फिल्म दे रहे थे। उनके पास अब नाम था, पैसा था, शोहरत थी। शशि कपूर की सबसे ज्यादा जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ हिट रही। इन दोनों ने एक साथ 14 फिल्में की, कुछ हिट रही तो कुछ सुपर हिट। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। शशि कपूर अब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बाद तीसरे ऐसे एक्टर बन गए थे जो अपनी फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करते थे और ये उस दौर के सबसे ज्यादा व्यस्त अभिनेता के तौर पर जाने जाने लगे। शशि कपूर ने अपने फिल्मी सफर में लगभग 160 फिल्मों में काम किया। जब जब फूल खिले, वक्त, कन्यादान, शर्मीली, रोटी कपड़ा मकान, दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, सत्यम शिवम सुंदरम, सुहाग, काला पत्थर, शान, क्रांति, सिलसिला, नमक हलाल जैसी शानदार फिल्मों में काम किया, जिसकी वजह से आज शशि कपूर हमारे बीच जिंदा हैं, अमर हैं। होता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ये तो था शशि कपूर का हिंदी सिनेमा का उतार चढ़ाव जैसा सफर। आइए बात करते हैं इनके विवाद और निजी जीवन की और इनके दुख तकलीफों की। शशि कपूर का जब जन्म नहीं हुआ था और वो अपनी माँ की कोख में थे, तब उनकी माँ उनको अपनी कोख में ही मार देना चाहती थी क्योंकि शशि की माँ उस वक्त माँ नहीं बनना चाहती थी। शशि एक अनप्लांट बेबी थे। शशि की माँ उनको मारने के लिए कई बार साइकिल से गिरी, सीढ़ियों से गिरी, चक्कर खाकर पेट के बल भी गिरी और न जाने कैसी कैसी तरकीब उन्होंने सोची उनको मारने के लिए, लेकिन कुदरत के आगे उनकी माँ की एक न चली और 18 मार्च 1938 को शशि कपूर इस दुनिया में आ गए। मावारी जाए, बलिहारी जाए, मावारी जाए। शशि एक हीरो के तौर पर फिल्मों में आने से पहले अपने पिता के थिएटर के साथ जुड़े रहे थे जहाँ वो एक्टिंग की बारीकियों को सीख रहे थे। साल 1955 में शशि अपने पिता के साथ कोलकाता में एक शो करने गए थे। इनके नाटक की उस दौर में काफी चर्चा थी, लिहाजा इनका शो देखने काफी लोग आते थे, जिसकी वजह से शो हमेशा हाउसफुल हो जाता था। शशि कपूर हमेशा पर्दे के पीछे से खड़े होकर ये देखते थे कि आज उनको देखने कौन कौन सा चर्चित चेहरा आया है। तो ऐसे में इसी आदत के चलते शशि कपूर की नजर एक दिन एक लड़की पर पड़ी जो आगे की ही लाइन में बैठी थी। शशि इस लड़की को देखकर पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गए। मैंने पहले कभी नहीं देखा आपको। अब देख लीजिए भाईजान, ये मेरी बहुत पक्की सहेली है। शशि ने जब उस लड़की के बारे में पता किया तो पता चला कि वो लड़की जेनिफर कैंडल है। जेनिफर कैंडल भी एक दूसरे ड्रामा थिएटर के मालिक की बेटी थी। जेनिफर अक्सर शशि के शोज देखने आती थी। शो के बाद शशि ने जेनिफर से मुलाकात की। इसके बाद इनकी कई और मुलाकातें हुई और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए।
हालांकि जेनिफर शशि से 3 साल बड़ी थी। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना। और इधर शशि कपूर की जिंदगी में जेनिफर ही पहली लड़की थी जिनसे शशि कपूर मिले और शादी करना चाहते थे। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा जितना कभी भी किसी ने किसी को ना किया होगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इधर जेनिफर के पिता इस शादी के लिए राजी नहीं थे, तो उधर शशि के पिता पृथ्वीराज कपूर किसी विदेशी लड़की को अपने घर की बहू बनाने को कतई तैयार नहीं थे। तो ऐसे में इनकी मदद की इनके बड़े भाई शम्मी कपूर और उनकी पत्नी गीता बाली ने। शम्मी कपूर और गीता ने पृथ्वीराज कपूर को मनाया और शादी के लिए हाँ करवा ली। मैं शादी की इजाजत देता हूँ। लेकिन जेनिफर के पिता नहीं माने, लेकिन जेनिफर ने अपने बालिग होने की बात कहकर शादी करने के लिए वो आगे बढ़ गयी। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस शादी से शशि कपूर को 3 संतान हुई, कुणाल कपूर, करण कपूर, संजना कपूर। शादी के बाद जेनिफर शशि का पूरी तरह से ख्याल रखने लगी। वो शशि को बेहद प्यार करती थी और भारतीय मूल की न होने के बाद भी वो हमेशा शशि के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती थी। वो शशि के लिए खुद डाइट प्लान बनाती थी। शायद इसी वजह से शशि अपने कपूर भाइयों में सबसे ज्यादा फिट रहते थे। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं। फिल्मों में आने से पहले शशि फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते थे, लेकिन जब वो फिल्म्स में सफल नहीं हो रहे थे, उनकी फिल्म लगातार फ्लॉप हो रही थी, तो ऐसे में शशि को आर्थिक तंगी होने लगी। ऐसे में अपना घर चलाने के लिए अपनी स्पोर्ट्स कार उन्हें बेचनी पड़ी और साथ ही अपनी बीवी के गहने भी। उनकी बीवी ने उनका हर पल बुरे वक्त में साथ दिया था, लेकिन जब उनकी फिल्म जब जब फूल खिले सुपरहिट हो गई, तब जाकर इनके हालात में सुधार आया। इसके बाद साल 1982 में शशि कपूर के लिए बेहद मुश्किल समय आया। एक खबर ने इनकी दुनिया ही बदल दी थी। शशि कपूर की पत्नी जो बीमार चल रही थी, कुछ टेस्ट के बाद जब शशि को पता चला कि उनकी पत्नी को कोलन कैंसर है, तो वो पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि शशि अपनी पत्नी को ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो उनके बिना जीना नहीं चाहते थे। काफी इलाज हुआ, लेकिन साल 1984 में शशि की पत्नी जेनिफर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पत्नी के जाने के बाद शशि ने कभी दोबारा शादी नहीं की। वो उनके अलावा कभी किसी को प्यार ही नहीं कर पाए। वो उनके प्यार में ही खोए रहे। वो उनकी मौत से कभी उभर नहीं पाए। वो गुमसुम रहते, अकेले रहते और बंद कमरे में घंटों बैठे रहते। इस बीच वो खाना पीना ही भूल गए, शराब पीने लगे। लिहाजा इसका असर ये हुआ कि जो शशि सबसे हैंडसम हीरो के टॉप पायदान पर थे, वो अब एकदम बदल गए। उनको पहचानना मुश्किल हो गया। पत्नी की जुदाई शशि कपूर को खा गई। वो डिप्रेशन में चले गए और कभी उससे बाहर नहीं आ पाए। मैं अपने बीवी बच्चे को ढूंढूंगा, उन्हें अपने सीने से चिपटा कर रोऊंगा और रो रो कर कहूंगा, देखो देखो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वो अपनी पत्नी की याद में अकेले 31 साल रहे और ये 31 साल उन्होंने दुख और तकलीफ के साथ काटे। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस हीरो को देखने के लिए लड़कियां मरा करती थीं, उनका ऐसा हाल हो जाएगा। वक्त करता जो वफा आप हमारे। समय गुजरता गया और शशि की हालत अब और भी खराब हो गई और वो कई बीमारियों की चपेट में आ गए। वो अब चलने फिरने के लिए भी मोहताज हो गए और व्हीलचेयर पर आ गए। सफलता और परेशानियों की लंबी लड़ाई को झेलते हुए साल 2017 में 79 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया।
इनके निधन ने इनके चाहने वालों के दिल को तोड़ दिया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर मुंबई के सांता क्रूज में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तुम्हें रुकना पड़ेगा, मेरी आवाज। शशि कपूर एक लाजवाब एक्टर थे। उनकी खूबसूरती के आगे कोई और सुपरस्टार कभी नहीं टिक सका। उनके अभिनय की पूरी दुनिया दीवानी थी। उनके इसी अभिनय के लिए भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया था। रास्ता है जिंदगी जो थम गए। शशि कपूर को अपनी पत्नी के बाद पिता के थिएटर पृथ्वी थिएटर से काफी लगाव था। पिता के बाद वो ही इस थिएटर को चला रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब इस थिएटर को उनकी बेटी संजना चलाती हैं। तो वहीं शशि कपूर के बेटे करण कपूर भी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। चांदी जैसा तन है, सोने जैसा मन है, लड़की नंबर वन। शशि कपूर एक बेहतरीन अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे इंसान के लिए भी जाने जाते थे। फिल्मों में बेहद बोल्ड सीन देने के बाद भी ये कभी किसी भी अभिनेत्री की तरफ नहीं गए, हमेशा पत्नी के लिए जिए और मरे। इनकी एक्टिंग और फिल्मों ने भारतीय हिंदी सिनेमा को चार चांद लगाए। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांस। समय कितना भी बदल जाए, लेकिन शशि कपूर हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहेंगे और लोग हमेशा उनके गानों और फिल्मों को यूं ही हमेशा अपना प्यार देते रहेंगे। ऐसे महान कलाकार को बॉलीवुड नॉवल की पूरी टीम दिल से श्रद्धांजलि देती है। अब किसी की मां न उजड़े, अब बच्चों से माना बिछड़े। तो दोस्तों, आज भले ही शशि कपूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपको हमारे द्वारा बनाया गया उन पर ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास शशि कपूर से जुड़ा कोई किस्सा या बात हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही आपको शशि कपूर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद रही है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी ही एक और दिलचस्प बायोग्राफी के साथ फिर से हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें। जल्दी ही दोबारा मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। 4 दिसंबर 2017 वो भयानक दिन होगा जब मुझसे मेरे बचपन का दोस्त, मेरा साथी और हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का टॉप मोस्ट हीरो हमसे छिन जाएगा। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के भी करने को।